होगा, यात्रियों के लिए मसला है। आगे बढ़ेंगे। इस साल की श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान किसी भी कुदरती आफत व दीगर मसाइल से निपटने के लिए एनडीएमए ने काफी इकदाम उठाए हैं। इन बातों की जानकारी एनडीएमए सीनियर कंसल्टेंट मेजर जनरल सुधीर बहल ने दी है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान पुलिस, फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल इंतजामिया के बीच तालमेल को बेहतर बनाने के लिए पहलगाम में मॉक ड्रिल का अहतमाम भी किया गया और जरूरत के वक्त लोगों की जान कैसे बचाई जाए इस पर पूरी तरह से एक मशक भी की गई। मेजर जनरल बहल ने मजीद कहा कि अमरनाथ गुफा में शाम की आरती पहले ही की जाएगी, जबकि फ्लैश फ्लड के खतरे वाले इलाकों में किसी भी यात्री या दीगर लोगों को रुकने की इजाजत का भी दौरा किया। मोमिनाबाद बटवाली के मकामी लोगों ने गुज़श्ता चंद दिनों से पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ श्रीनगर के पीएचई डिवीजन के खिलाफ एहतजाज किया। पीने के पानी की किल्लत की वजह से इन गर्म दिनों में मकामी लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना। एक तरफ पीने के पानी की स्कीमों को अपग्रेड करने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अभी भी श्रीनगर के कई इलाके पीने के पानी की सहूलियात से महरूम। शुभ के सभी इलाके पिछले एक हफ्ते से पीने का बहरान चल रहा है। दर्जे हरारत में अचानक के इजाफे से बर्फ के ग्लेशियर पानी से पिघल रहा है और जिस आबी जखार में गैर मामूली बहाव बढ़ने से दर्जनों पानी की पाइपें। हमने ये सब कमी पेशियों को दूर करना था, तो मुझे खुशी है कि सब डिपार्टमेंट्स ने, खासकर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने भी बड़े उत्साह से इस मॉकड्रिल में हिस्सा लिया। जो भी इलाके हैं जहां पर क्लाउड बर्स से अगर फ्लैश फ्लड आता है तो उन इलाकों को हमने मार्क कर दिया है। इन इलाकों में कोई तंबू, कोई ऐसी फैसिलिटी ना बनाई जाए। दूसरी एक बड़ी चीज ये हुई है कि आईएमडी ने एक डॉपलर रडार है वो बनिहाल में लगा दिया है, तो उससे जो होली केव है उसके पीछे के इलाके में अगर बारिश या कोई क्लाउड बर्स्ट होता है तो उसकी भी अब हम अर्ली वार्निंग मिल जाएगी। सालाना अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है और इंतजामिया जम्मू की यात्री निवास भवन में तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे रही है। यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए नीम फौजी दस्तों के जवान मुनासिब तादाद में तैनात हैं। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने सफाई सुथराई, पीएचई, महकमे बिजली के तमाम अफसरान को यात्री निवास भवन जम्मू में 24 घंटे अशिया जरूरिया की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने की हिदायत की है। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है और उससे पहले यात्री निवास भवन जम्मू में जो इलाके हैं और चाहे वो जो अंदर के इलाके हैं वहां पे तमाम जगह पे सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट की गई है, सीएसएफ जवानों की डिप्लॉयमेंट की गई है और पुलिस के जवान भी यहां पे डिप्लॉयड हैं। कोशिश यही है कि जब ये यात्रा के लिए 30 जून को यहां पे श्रद्धालु पहुंच जाएंगे तो उनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो और चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो, चाहे वो सैनिटेशन की व्यवस्था हो, सबसे अहम सिक्योरिटी की व्यवस्था, उसको चाक चौबंद यहां पे किया गया है। आप अगर मैं आपको विजय को बोलूंगा कि वो दिखाएंगे तो यहां पे जो सैनिटेशन के लिए एक टीम जो है जीएमसी की तरफ से वो यहां पे आई है और कोशिश यही है कि तमाम इलाके को जो है वो सैनिटेशन, सफाई जो है वो अच्छी हो ताकि जब यात्री यहां पे आए तो एक अच्छा मैसेज यहां से उनको मिले और जम्मू के लोग जो है दिल से चाहते हैं कि ये यात्रा जो है वो बहुत अच्छी हो, यात्रियों को सुविधा मिले। इसके लिए सफाई कर्मचारी जो है दिल से अपने लगे हुए हैं ताकि यात्रियों को जब यहाँ पे आए तो एक सफाई मिले और यहाँ पे अच्छा उनको लगे आकर। आप देख सकते हैं ये टीम सामने जो है जीएमसी सफाई कर्मचारियों की, ये दिन रात यहाँ पे लगी हुई है। कुल 62 दिन जब तक ये यात्रा चलने वाली है ये सफाई कर्मचारी यूं ही यहाँ पे सफाई का ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ जो आप ये टेंट देख पा रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था जो है वो सुबह होती है जब यात्री यहाँ से निकलते हैं और यहीं से जो बसेस हैं वो यात्रा के लिए यहाँ से 30 जून को निकल जाएंगी, अपने जब पहलगाम पहुंचेंगी और बालटाल पहुंचेंगी वहां से आगे की यात्रा चलती है। और मेरे पीछे ये यात्री निवास भवन, यहाँ पे भी तमाम जो तैयारियां हैं यात्रियों को रिसीव करने के लिए, चाहे वो सिक्योरिटी हवाले से, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने हों, वो तमाम जो है मुकम्मल हो चुकी हैं और जो उनको एक अंतिम टच है वो दिए जाने की कोशिश है। और मेडिकल कैंप जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से वो भी लगाए गए हैं। यहाँ पे तमाम जो है तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। अब कोशिश है कि अब जब यात्री जब आए तो ये जो
तमाम तैयारियां हैं उसका फायदा भी जो है उनको मिले, चाहे वो लंगर की व्यवस्था हालांकि यात्री निवास के भीतर होगी और उसके साथ साथ जो स्नैक्स होते हैं सुबह के वो इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी यहीं टेंट्स लगा के उनकी व्यवस्था की जाएगी ताकि जो सिक्योरिटी जवान हमारे लिए दिन रात जो है इस यात्रा को कामयाब करने के लिए काम कर रहे हैं उनको भी किसी तरह की असुविधा ना हो, इन तमाम चीजों की जो है वो ध्यान रखा गया है और सबकी कोशिश यही है कि ये 62 दिन चलने वाली यात्रा सबके लिए सुखद हो।